Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Gorgeous by Vartika. So main reasons why you are not losing weight या फिर I am not losing weight, कोई भी human being है उसके सबसे बड़े कारण क्या होते हैं कि वो weight loss नहीं कर पा रहा है even after dieting and exercising as well. अगर ये भी आप कर रहे हो उसके बावजूद भी weight नहीं कम हो रहा तो क्या problem है आखिरकार. पहला reason तो यही है that you are eating too much. ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना जो हमारा वेट गेन करने में और लॉस करने में वो होता है खाना, खाने की क्वांटिटी एंड पोर्शंस. तो अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट गेन हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा आप डाइटिंग कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कैलोरीज को ट्रैक ना कर रहे हो. अगर आप कैलोरीज ट्रैक नहीं कर रहे हो और आप अपनी तरफ से डाइटिंग कर रहे हो और आपका अल्टीमेटली वेट गेन हो रहा है तो यानी कि यू नीड टू ट्रैक योर कैलोरीज, आपको चेक करने की ज़रूरत है. आपको डेली फूड जर्नल्स बना सकते हैं, आप चाहें तो आप अपना फोटोज खींच के रख सकते हैं रोज आपने क्या खाया है, या फिर आप लिख करके रख सकते हैं कैलोरीज वगैरह. हेल्थीफाई मी ऐप जैसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिनमें आप ट्रैक कर सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज आपको पता लग जाएगा. अगर आप एक लड़की हो तो 1200 से 1400 कैलोरीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो अपनी वेट लॉस जर्नी में तो वो सही है. कम भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है. अब बिंज ईटिंग भी तो होती है ना, ऐसा है अगर कि आप हेल्दी फूड्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बिंज कर रहे हो, उन्हें बहुत सारा खाया जा रहा है. फॉर एग्जांपल नट्स या फिर डार्क चॉकलेट है या गुड़ है, गुड़ हेल्दी होता है ना, नट्स हेल्दी होते हैं. लेकिन आप इन भी चीज़ों को अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, क्वान्टिटी ज़्यादा खा रहे हो, बिंज ईट कर रहे हो तो उससे भी आपकी कैलोरीज पैक इन हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ जाएगा. अब इसी में होता है कि ईटिंग टू फास्ट, अगर आप बहुत तेज तेज खाना खा रहे हैं, आप शांति से बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं तो वेट गेन होने के हाई चांसेस है. आपको माइंडफुल ईटिंग करने की ज़रूरत है. आप शांति से बैठिए, आराम से बैठ के धीरे धीरे चबा के खाइए, पूरे आपके सेंसेस आपके खाने में होने चाहिए हैं. कोई आप वीडियो मत देखिए, कोई ज़्यादा बातों में इंडल्ज मत होइए, कुछ टीवी वगैरह मत चलाइए, धीरे धीरे चबा करके खाइए, अपने पांचों सेंसेस को खाने में लगा करके. तो आप जब स्लोली ऐसे माइंडफुल ईटिंग कर रहे होंगे ना तो आपका पेट अपने आप भर जाएगा, जिस बाइट पे भरेगा आप वहाँ रुक जाएंगे, आप अननेसेसरी वाला ओवर ईट नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब नंबर टू है, यू आर नॉट ईटिंग होल फूड्स. अब मैंने तो होलिस्टिक न्यूट्रिशन पढ़ा है, आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ होल फूड्स. आपको होल फूड्स को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना वेट लॉस चाहते हैं. तो आजकल होता क्या है ना, होल फूड्स की जगह पे जो उनका प्रोसेस्ड वाला वर्जन है हम लोग वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, और प्रोसेस्ड फूड में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, क्वांटिटी कम होती है तो पेट कम भरता है और हम ज़्यादा खा जाते हैं, तो उसकी वजह से वेट गेन होना स्वाभाविक है. तो इसलिए इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पैकेज्ड फूड ना खाएं, स्पेशली जिनको आजकल लेबल करके आता है ना पैकेट्स हेल्थ फूड लिखा होता है, उनमें तो बहुत ही कैलोरीज होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं, तो उनके भी झांसे में आप ना आए. थोड़ा सा ध्यान रखें कि होल फूड्स को खाएं, होल फूड्स जैसे कि आपका राजमा, छोले, चने, दाल, चावल, अनाज होता है, जो फ्रूट्स हैं सबसे अच्छी और ईजी चीज़ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलड्स है, आप होल फूड्स को खाएंगे तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलने वाली है, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, वेट लॉस तो हो गई. नंबर थ्री, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ. बहुत बड़ा रीज़न है अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो एरोबिक एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आपके कार्डियोज हो सकते हैं, फास्ट वॉकिंग हो सकती है, साथ ही में आपका वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ वाली योगा हो सकती है. ये करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको वेट लॉस करना है तो. और साथ ही में ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं हो सकता है, राइट डाइटरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइट अगर सही होगी उसके साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वेट लॉस करने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो अगर आप डाइट कर रहे हैं बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, हफ्ते में 5 दिन यानी कि आप नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए. और साथ ही में फोर्थ पॉइंट इसी से कनेक्टेड है. देखो, एक्सरसाइज कर रहे हो डेफिनेटली वेट लॉस होने में हेल्प मिलेगी, अच्छे से डाइट कर रहे हो, लेकिन आप 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे है ना, 24 घंटे में हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? खाली आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो, 24 में से 23 घंटे आप पड़े हुए हो, है ना, बैठे हो, बैठ के काम कर रहे हो या लेटे हो, जो भी कर रहे हो.
तो कैसे वेट कम होगा? यानी आप बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, और अगर आप लड़की हो, लड़की नहीं भी हो तो भी वैलिड है, बट हाँ अगर लड़की हो तो आपको पीसीओडी पीसीओएस होने के चांसेस हो जाएंगे। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल चलेगा नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जो हम बैठे रहते हैं, बैठ करके काम करते हैं, कुछ करते हैं। यू नीड टू बी एक्टिव, आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको चलने फिरने की ज़रूरत है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपको हर 30 मिनट में 3-4 मिनट के लिए एटलीस्ट खड़ा हो जाना चाहिए और अपना खड़े होकर काम कर लें, ये सब करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव रहेगा, चलते फिरते रहेंगे, तो आप डाइटिंग के साथ में भी वेट लॉस कर सकते हैं, चाहे आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना भी करते हो। तो एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स हैं जो एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई से एनरिच्ड हैं, इनके और भी नए शेड्स लॉन्च हो गए हैं। तो अब हो गए हैं आज की डेट में टोटल 17 शेड्स। सबके लिप स्वॉचेस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी शेड्स को चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो मैंने शेड लगाया हुआ है ये है 15 ग्रेप फ्रूट पिंक, और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, जस्ट वन स्वाइप में आपको इंटेंस पिगमेंटेशन मिल जाती है। लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ 14 पीच न्यूट। These lipsticks are 12 hours long stay with one stroke application, smudge proof भी हैं, enriched avocado oil और vitamin E से, जिसकी वजह से lips अच्छे से moisturized रहते हैं, at the same time lips का look matte आता है। So this is Mamaearth moisture matte long stay lipstick in the shade 14 peach nude। बहुत ही प्यारा सा न्यूट कलर है विद हिंट ऑफ पीच एंड ब्राउन अंडरटोन्स, सभी इंडियन स्किन टोन्स को अच्छे से कलर सूट करेगा। अब नए शेड्स जो लॉन्च हुए हैं 14, 15, 16 एंड 17, इनके मैं आपको लाइन वाइज हैंड स्वॉचेस और लिप स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ यहाँ पर, एंड आई हैव अ फुल वीडियो ऑन देम एज वेल, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू में जब फर्स्ट 9 शेड्स लॉन्च हुए थे तब भी मैंने इनका वीडियो बनाया था, एंड यू गाइज लव द वीडियो, एंड फिर जब आगे के 10, 11, 12, 13 शेड लॉन्च हुए तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक देम आउट। मैं आपको मामाअर्थ के लिपस्टिक्स को खरीदने के लिए लिंक्स दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेज़न, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पर भी। ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड वर्तिका 2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड देयर ऐप। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज, and every time you buy from them Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant। oh by the way Mamaearth ki lipstick na is still there on my lips aur ye smudge nahi hui hai। चलिए कंटिन्यू करते हैं why you are not losing weight का पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है? you are drinking too much sugar। आप डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने शुगर को कट डाउन करा होगा, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। शुगर आप कम खा रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आप शुगर पी रहे हों बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। शुगर खानी तो कम है ही, पीनी भी कम है। आप अगर ये सोच रहे हो आप कैलोरी काउंट करके खा पी रहे हैं, जिसके बीच में अगर आपने एक ड्रिंक ले ली है तो पीने पी लिया है कुछ शुगरी वाला, तो वो चल जाएगा, कैलोरीज बाकी मेनटेन है, तो ऐसा होता नहीं है ना, बिकॉज उससे ना आपका पेट तो भरने से रहा, पेट तो नहीं भरता शुगरी ड्रिंक से, तो अल्टीमेटली यू एंड अप ईटिंग मोर एज वेल। और यहाँ पे मैं सिर्फ कोक और पेप्सी की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो करते ही हैं नुकसान, इसके अलावा जो विटामिन लोडेड वाले ड्रिंक्स आते हैं आजकल, वो भी नुकसान करेंगे, उनमें भी शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप फ्रूट जूसेस को भी ज़्यादा नहीं पियेंगे, फ्रूट जूसेस कभी कभार एक लिमिट में पीना ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको नुकसान ही करेगा। आप ये सोचो आप एक ऑरेंज का जूस पी रहे हो फ्रेश वाला, उसके अंदर आपके लगभग 4 से 5 ऑरेंजेस गए हैं, तो आपके अंदर 4 से 5 ऑरेंजेस का शुगर चला गया और बिना उसके प्रॉपर फाइबर के, और आपका फ्रूट ऑक्सीडाइज हुआ वो अलग, तो इससे बेटर आप एक ऑरेंज को खा लो, वो आपको डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, ज़्यादा शुगर भी नहीं जाएगा, प्रॉपर फाइबर और होल फ्रूट आपके अंदर जाएगा, विच विल हेल्प मेक योर हेल्थ बेटर एंड आपके वेट लॉस में भी ज़्यादा हेल्प करेगा। बट हाँ, कभी कभी वंस इन अ वाइल आप फ्रूट जूसेस पी सकते हैं इन लिमिटेड क्वान्टिटीज, अपना ओवरऑल कैलोरी इनटेक का थोड़ा ध्यान रख के, वेन यू आर एक्सरसाइजिंग, वेन योर लाइफ स्टाइल इज गुड एंड एक्टिव, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा शुगर आप ना पिए ना ही खाएं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, यू आर नॉट स्लीपिंग वेल। ये पॉइंट डेफिनेटली मुझ पर भी वैलिड होता है।
सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपरली एंड ऑन टाइम सोना भी इम्पॉर्टेंट है। जिनकी नाइट शिफ्ट हैं उनकी बात हम नहीं करते हैं, चलो उनकी मजबूरी है, बट उनको भी एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके ऑन टाइम सोना इम्पॉर्टेंट रहेगा और प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जिन लोगों का नॉर्मल लाइफ है, ऐसे नाइट शिफ्ट वाला कुछ नहीं है, उनके लिए तो देखो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान रखना, आपको प्रॉपरली 8 घंटे सोना, इफ़ आप एडल्ट हैं तो बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए जैसे 10 से 16 घंटे ज़रूरी होता है, एडोलेसेंस के लिए 8 से 10 घंटे ज़रूरी होता है, हम लोगों के लिए जो लाइक 18 साल को क्रॉस कर चुके हैं और अभी 45-50 तक की एजेस हैं, तो इस टाइम तक आपके लिए 8 आवर्स सोना ज़रूरी है, एटलीस्ट नहीं तो 7 आवर्स सोना ज़रूरी है। तो 7 to 8 आवर्स की आपको एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर अच्छे से अच्छी सी नींद लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाए, आपके हॉर्मोन्स अच्छे से रेगुलेटेड रह पाए। और इसी में टाइमली सोना भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आप रात के 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज 11 बजे से 3 बजे रात को हमारे हॉर्मोन्स रिपेयर होते हैं। हाँ, इससे पहले भी सो सकते हैं आप, 9 से 5 भी सो सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। आज के लाइफस्टाइल में डिफिकल्ट होता है, तो बेस्ट टाइम मैं बोलूँगी 10 to 6 है, अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एटलीस्ट 11 to 7, 11 PM to 7 AM हमें सोना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा हॉर्मोन्स को रिपेयर करने के लिए। ओ बाय द वे, एक्स्ट्रा स्लीप भी नहीं लेना, ज़्यादा सोने की वजह से भी मोटापा आता है और कम सोने की वजह से भी मोटापा आता है, तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना ज़रूरी है। नंबर 7, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, आई कन्फ्यूज माई थर्स्ट विद हंगर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मेरा खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। मान लो सुबह से आज शाम के 7 बज गए और मैंने पिया सिर्फ 2 ग्लास पानी, तो अल्टीमेटली मुझे क्या होगा ना, मुझे इस टाइम पे भूख लग रही होगी बहुत ज़्यादा और मैं खाती जाऊँगी, कुछ ना कुछ खाती जाऊँगी और सोचूंगी पता नहीं पेट क्यों नहीं भर रहा है। एक्चुअली वो थर्स्ट होगी, क्योंकि अच्छे से अगर पानी नहीं पिया होगा ना तो डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन बॉडी को होगी कि भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, और आप गलती से ज़्यादा खा जाओगे, और वो ज़्यादा खाओगे तो बिना बात की एक्स्ट्रा कैलोरीज आ गई, बिना बात का एक्स्ट्रा खाना आपने खा लिया है और बॉडी कंफ्यूज हो रही है, तो डेफिनेटली वेट गेन होगा, क्यों नहीं होगा। और वैसे भी पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, तो आपका वेट लॉस होने में हेल्प मिलता है। आपको दिन में एवरेज 8 ग्लासेस पानी पीने होता है, सबको पता है, बट पीता नहीं है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर आती है। प्लस राइट टाइम पे पानी पीना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज अ वेल, ऐसे ही नहीं कि आप खाने के साथ भी पानी पी रहे, खाने के साथ पानी पियेंगे तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, पानी खाने डाइजेस्टिव जूसेस को यूरिन के थ्रू निकाल देगा, सिक्रीट कर देगा, तो खाना डाइजेस्ट कौन करेगा। तो खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पिए 1 ग्लास, और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 ग्लास पानी पिए, इससे अच्छे से आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे बॉडी में और आपको खाने के अच्छे से बेनिफिट मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, योर ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। ये मैंने अपने ऊपर नोटिस करा है, बिफोर माई मैरिज मैं बहुत कम अल्कोहल लेती थी, लाइक मे बी 3 ईयर और सो, लेकिन आफ्टर मैरिज वो हो गया है 3 मंथ और सो, तो डेफिनेटली उससे दिक्कत आएगी, मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है, इवन व्हेन आई एम डाइटिंग, डूइंग एक्सरसाइज या कुछ भी। बट अगर रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू माई अर्लियर टाइम, तो वेट गेन होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं, बिना ज़्यादा कुछ और गड़बड़े करे भी, बिकॉज एक तो अननेसेसरी शुगर होता है अल्कोहल में बहुत ज़्यादा, प्लस इट स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म, और अल्कोहल की वजह से ना आपकी एपेटाइट का भी थोड़ा गड़बड़ होता है, आपको ज़्यादा भूख लगती है जब आप पीते हैं ना, उस टाइम पर देखना आपको भूख ज़्यादा लग रही होगी, तो आप ज़्यादा खाएंगे, तो अल्टीमेटली आपने जो 6 दिन की मेहनत करी है ना, 7वें दिन जो आप पार्टी कर रहे होंगे ना, उसमें ज़्यादा खा करके तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर अल्कोहल पी रहे हैं तो प्लीज़ टेक केयर कि एक्स्ट्रा कैलोरीज ना ले रहे हैं उस टाइम पर, आप साथ में सैलड्स और फ्रूट्स खा लें रेदर देन अनहेल्दी स्नैक्स, सेलेक्ट फॉर योर हेल्दी स्नैक्स एंड ड्रिंक अल्कोहल थोड़ा रेगुलेटेड अमाउंट में एंड तरीके से। अवॉइड करें कॉकटेल्स को, जो मुझे बनाना बहुत पसंद है, बट मीठी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बियर, वाइन, शुगरी बेवरेजेस जो होते हैं ना, ये इनको अवॉइड करना चाहिए। वोडका को 0 कैलोरी कुछ सोडा के साथ में, इस टाइप का कुछ टॉनिक वाटर के साथ में, 0 कैलोरी वाले के साथ में फिर भी लेंगे तो वो स्टिल बेटर रहेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, यू हैव अ मेडिकल कंडीशन दैट इज मेकिंग थिंग्स हार्डर। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम या
पीसीओडी पीसीओएस कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तो आपको अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अच्छे से डाइट कर रहे हैं, आप सारे जो स्टेप्स मैंने अभी बताया उनका सबका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो डेफिनेटली कीप अ चेक। आप अपने टेस्ट करवाएं, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें, थायराइड का टेस्ट और आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस या पीसीओडी का टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपका वेट कम होने में आपको दिक्कत आता है, तो मे बी आप किसी मेडिकेशन पर हो जिससे दिक्कत आ रही हो। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने थोड़े दिन पहले की ही बात है, मैंने पीरियड्स डिले करने की एक बार 5 दिन की दवाई ली थी और उसके बाद से कुछ दिन बाद मैंने ये चीज़ देखा दैट माई वेट इज़ इंक्रीजिंग, जबकि मैंने तभी मेरा वोटा ईट इन अ डे सीरीज एकदम से स्टॉप करा कि मैं क्या दिखाऊंगी लोगों को, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट मेरा वेट कम होने की जगह हर अगले दिन मैंने बढ़ता हुआ देखा। तो कभी कभी कोई कोई मेडिकेशन आपको नहीं सूट करती है, उसकी वजह से आपको दिक्कत आती है, तो यू नीड टू कीप अ चेक ऑन ऑल दीज थिंग्स एज अ वेल। हाँ, और अगर पी सी ओ डी या थायरॉयड है तो बेस्ट सोल्यूशन इज, आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, कुछ आपको बहुत ही दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कुछ, योगा करो, प्राणायाम करो और बहुत तेज तेज 45 मिनट्स के लिए सैर करो। पी सी ओ डी और थायरॉयड की प्रॉब्लम आपकी आधे से ज़्यादा तो इसी से सॉल्व हो जाएगी। पैकेज्ड फूड मत खाना, प्लास्टिक से दूर रहना, प्लास्टिक से आपके पूरे हॉर्मोन्स ऊपर से नीचे हो जाते हैं, फीमेल्स को बहुत नुकसान करते हैं। अगर इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको अच्छे से इसके ऊपर वीडियो बना करके दूंगी। मेक श्योर कि स्टील के बर्तन, लोहे के, पीतल के, इन बर्तनों को इस्तेमाल करें आप, प्लास्टिक प्लास्टिक से जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके हॉर्मोन्स खराब होंगे, फीमेल्स में गलत पता लगता है बॉडी को कि गलत हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है। 10th पॉइंट, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके कहीं अनरियलिस्टिक गोल्स ना हो। वेट लॉस एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत से लोगों का पेशेंस चला जाता है और वो सोचते हैं कि डाइट काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं, एक्सरसाइज कर रहा है, तो छोड़ देते हैं। डोंट डू दिस, वेट लॉस में वक्त लगता है। हाँ, इनिशियली शुरू में एकदम से ज़्यादा वेट कम हो जाता है, अच्छे से वेट कम होता दिखता है और धीरे धीरे फिर नहीं कम हो रहा होता, तो हम लोगों का मोटिवेशन चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए है। नॉर्मली आप 1 पाउंड यानी कि आधा किलो अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते में कम कर सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट, कभी कभी इससे कम भी, कभी कभी इससे ज़्यादा भी, तो आप अनरियलिस्टिक मत होकर के चले। 1 महीने में अगर आप 1 से 2 किलो घटा पा रहे हैं वो सही है, आप सही जा रहे हैं, पेशेंस रखिए और अपना कंटिन्यू कीजिए चीज़ों को। एंड एक चीज़ का ना थोड़ा ध्यान रखिए, अनरियलिस्टिक होना इज़ नॉट राइट, हर किसी की बॉडी पिक्चर परफेक्ट मैगजीन्स जैसी या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस जैसी नहीं हो पाती है, उसके लिए दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प देम, बहुत ज़्यादा उनके पास ट्रेनिंग्स होती हैं, वो बहुत एक्सट्रीम वाले उसमें डाइट्स करते हैं, उनको अलग से न्यूट्रिशनिस्ट उनके पास उसकी सुविधा होती है और बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस और प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर्स की, बड़े बड़े जिम्स की, और उनका वो काम है, तो उनसे मत कंपेयर कीजिए, अपने आप की बॉडी से कंपेयर कीजिए। खुद से बेटर होना है आपको, खुद से हेल्दी होना है, खुद से फिट होना है, उन चीज़ों का आपको देखना है, आपकी इंचेस कम होने चाहिए हैं। अनरियलिस्टिक तो ज़रूरी नहीं है ना हो पाएगा, किसी किसी का होता भी है, डेफिनेटली होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पेशेंस, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और कभी कभी वेइंग मशीन पर आप जब देखते हैं कि अरे वेट बढ़ रहा है कुछ है, हो सकता है आप एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत अच्छे से, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और खाने का ध्यान रख रहे हो, तो आपके मसल्स गेन हो रहे हैं और इसलिए वेट ज़्यादा हो रहा है, फैट हो सकता है कम ही हो रहा हो, तो अपने इंचेस को भी साथ में ट्रैक करें, खाली वेइंग मशीन के ऊपर भी ना जाएं। एंड मेरी आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे थम्स अप जरूर करना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना है, कमेंट्स में वी कैन लाइक डिस्कस अबाउट थिंग्स, आप चीज़ें अपनी लिख सकते हैं, अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल लुक गॉर्जियस वर्तिका फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू वेट लॉस और रियलिस्टिक वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही वीडियो अच्छी चलेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। अच्छा लगा मुझसे बात करके तो प्लीज़ लाइक करके जाना वीडियो को, एंड अगर आप न्यूट्रिशन काउंसलिंग चाहते हैं मुझसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।